Dear all, welcome. Uh, in this video lecture, we will discuss Pheophyceae or the brown algae. General characteristics: Brown algae are represented by about 265 genera and over 1500 species. आफिश अबाउट नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन परसेंट आर मेरी जो ब्राउन एल जी है या फिर फाइ सी है तो इसमें टोटल दो सौ पैंसठ जेनरा है और इन दो सौ पैंसठ जेनरा में पंद्रह सौ से जायद स्पीशीज़ है और इस ग्रुप के जितने भी मम्बर्स है तो नन्वे शर्या सात फीसद जो है वो मेरीन वाटर है मतलब के सी uh, या ओशियंस में पाए जाते हैं जबकि फ्रेश वाटर uh, की तादाद जो है तो वो बहुत कम है प्लांट बॉडी इज स्लाइटली डिफरेंशिएटेड एंड कम्प्लीकेटड इन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंस्ट्रक्शन इनकी जो प्लांट बॉडी है तो वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है और इंटरनली और एक्सटर्नली उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में यूनिसेलर कॉलोनील एंड अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इस ग्रुप में यूनिसेलर मेंबर्स भी नहीं है कॉलोनील या अनब्रांच फिलामेंटस मेंबर्स भी नहीं है जितने भी मेंबर्स है वो कंप्लेक्स मेंबर्स हैं हाईली स्पेशलाइज प्लांट बॉडी है इनकी साइज ऑफ द ब्राउन एल जी रेंज इज फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोपिक टू वेरी ह्यूज मेंबर्स रीचिंग इवन अप टू सिक्सटी मीटर आर मोर इन लेंथ लाइक माइक्रोसटस जो ब्राउन एल जी है अगर हम इनकी साइज की बात करें तो इनमें माइक्रोस्कोपिक मेम्बर्स भी है जो कि एपिफिटिक एल जी है और कुछ मेम्बर्स जैसे कि माइक्रोसटस जो है तो उनकी साइज़ या लंबाई जो है वो साठ मीटर से ले कर या इससे ज़्यादा भी हो सकती है फोटोसेंथेटिक पिगमेंट्स इंक्लूड क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी बीटा कैरोटीन व्योलाजेंथिन एंड फ्यूकोजेंथिन अगर हम फोटोसेंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए वो तो हमें पता है कि सारे एल में पाई जाती है क्लोरोफिल सी जो है वो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है फियोफाइसी का क्लोरोफिल सी जो है वो फियोफाइसी में सिर्फ पाया जाता है बाकी एल्गल ग्रुप्स में नहीं है इसके अलावा बीटा कैरोटीन वायोलाजेंथिन और फ्यूकोजेंथिन भी एज ए पिगमेंट्स पाए जाते हैं इस ग्रुप ऑफ एल में

ब्राउन कलर फ्यूकोजेंटिन जो है वो डिफरेंट टेनिन के साथ मिलके, तो इस ग्रुप के जितने भी मर्स हैं उनको ब्राउन कलर देता है मतलब के डिफरेंट टाइप्स के टनिन जिनमें पाए जाते हैं जैसे फाइसोड्स या फ्यूकोसेंट्सेट्रा फोटोसिंथेटिक रिजर्व फूड्स आर लेमेरियन एंड मैनीटॉल एल जी जो है तो फोटोसेंटर्स के बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इनिफाम ऑफ लेमिनेरियन स्टोर करते हैं या फिर मैनीटोल इनमें रिजर्व फूड होता है स्टार्च वगैरह इनमें रिजर्व फूड नहीं पाया जाता दल वॉल इज बाई द इनर लेयर ऑफ सिल्लोस एंड आउटर लेयर ऑफ एलजेनिक एसिड एंड फ्यूकाइडन जो सेलवाल है तो वो दो लेयर्स पर मुश्तम है जो आउटर लेयर है वो सिलोस का बना होता है और जो इनर लेयर है तो वो एल्जेनिक एसिड एंड फ्यूकॉइडन का बना है वैसे तो हमारे पास जो प्लांट सेलवाल है या ग्रीन एल वगैरह है उनमें सेलवाल तीन लेयर्स का बना होता है लेकिन यहाँ पर दो लेयर्स है हैं वॉल के मिडल वाले लेयर एबसेंट है इसके अलावा जो मोटाइल प्रोडक्टिव बॉडीज है जैसे स्पोर्स और केमीट्स तो इनके फ्लेजिला जो है वो साइज़ में अनिक्वल होते हैं मतलब कि लेंथ में अनिकवल होते हैं एक का लेंथ ज़्यादा होता है दूसरे का लेंथ कम होता है और आ, लेटरली अटैच होते हैं बॉडी के साथ सुस्पोर्जिया के साथ एंड डेवेलप्ड आइडर इन यूनिलाक्युलर और प्यूरिलार फ्लेजुलज हेयरी वाय दॉर्टर पोस्टीरियर फ्लेचुलम इज स्मूथ अगर दोनों फ्लैजिला की बात की जाए तो जो लेंथ वाइज लागर फ्लेजिल है तो वो हेयर ही है स्मॉल हेयर लाइक आउट उस पर प्रेजेंट है जबकि जो शार्टर फ्लेजलम है तो वो स्मूथ है उस पर कोई आउट वग़ैरह प्रेजेंट नहीं है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रेंजिस फ्राम सिंपल आइसो गेमी टू ऊ गेमी थ्रू एन आई सो गेमी अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो तीनों तरह के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इस ग्रुप के मुख्तफ़ मेम्बर्स में पाए जाते हैं जैसे कि आई सो गेमी एन आई सो गेमी एंड ऊ गेमी एक्टोकार्पस तो अब हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव मेम्बर एक्टोकार्पस तो को पढ़ेंगे कि उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं किस तरह उनमें रिप्रोडक्शन होती है वगैरह वगैरह एक्टोकार्पस तो इज ए मेरी एल्गा एंड मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल जी जो जीनासिक्टोकार्पस है तो ये प्योरली मेरीन है ओशियन और सीज में पाया जाता है सबसे पुराना ग्रुप है ब्राउन एल जी का प्लांट इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाउंड पार्टिकुलरली इन कोल्डर सीज ऑफ टेम्परेट एंड पोलर रीजन जीना कार्पस के मेंबर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड पाए जाते हैं लेकिन ज्यादातर मेंबर्स जो है वो जो कोल्डर सीज है टेम्परेट और पोलर रीजन के वहाँ पर पाए जाते हैं प्लांट बाडी एंड स्ट्रक्चर ऑफस द्लांट बॉडी इज ए स्मॉल फिल्मेंट है प्लांट बॉडी की अगर बात की जाए तो दो तरह के फिलाेंट्स है इसमें एक प्रोस्ट्रेट है जो कि क्रीप करता है रींगता है पैलता है और दबस्ट्रेट और एक एरेक्ट आ, पार्ट है इस वजह से इसको हम हेट्रोट्राइकस कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के, के ट्राइकोम्स इसमें पाए जाते हैं द प्रोस्ट्रेट पोर्शन इज फ्रिक्वेंटली ब्रांच एंड फ्रीमली अटैच टू दबस्ट्रेटम बाईरा जो प्रोस्ट्रेट ट्राइकोम्स हैं तो वो ब्रांच्ड होता है और जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ थ्रू रूट्स लाइक आउटग्रोथ्स जिनको राइजाइड्स कहा जाता है के जरिए अटैच होता है डायरेक्ट पोर्शन विच वेव्स फ्रीली इन वाटर इज स्प्रिंगली और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड जबकि जो इरेक्ट ट्राइकोम है तो उसमें ब्रांचेस ज्यादा नहीं होती और वो वाटर में वेव लाइक -like मूवमेंट करता है द ब्रांचेज आर लेटरल विच एंड इन ए पॉइंट आर बिकम नैरो एंड टेपर्ड फॉर्म कलरलेस हेयर जो ब्रांचेज है एरेक्ट पार्ट के तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में एंड होते हैं जो कि कलरलेस स्ट्रक्चर होता है इन मेनी स्पीशीज द प्रोस्ट्रेट पोर्शन मे आल्सो रिमेन एबसेंट कुछ स्पीशीज में जो प्रोस्ट्रेट पोर्शन है वो एबसेंट है सिर्फ इरेक्ट पोर्शन या पार्ट प्रेजेंट है ईच सेल इज ट विथ वन आर मोर स्मॉल डिस्क शेप्ड और रेबन लाइक आर बेंड शेप्ड क्रोमेटोफोर ऑफ इरेगुलर आउटलाइन हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है और साथ साथ डिस्क लाइक या रिबन लाइक या बैंड लाइक क्रोमेटोफोर होता है द्रोथ इन दोस्टेट सिस्टम इज एपिकल वाइल इन दरिक्स सिस्टम इट इज मोस्टली डिफ्यूज एंड इंटर कैलरी जो ग्रोथ है तो वो प्रोस्टेट पोर्शन में एपिकल है टिप के सिल्स सिर्फ डिवाइड होते हैं और उनकी डिविजन से जो प्रोस्टेट ट्राइकॉम्स हैं उनकी इलांगशन होती है जबकि एरेक्ट ट्राइकोम्स जो है वहाँ पर डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है वो इंटरकेलरी है या डिफ्यूज़ है मीनस के मुख्तलिफ सेल्स जो है, मुख्तलिफ रीज़न्स में वो डिवाइड होते हैं जिसकी वजह से जो इेक्ट ट्राइकोम्स हैं उनकी लेंथ में और साइज़ में इजाफ़ा होता है दो तरह के तेलाई पाए जाते हैं एक हेप्लाइड होता है जिसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एक डिप्लाइड होता है जिसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या कम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बट मारफालाजिकली दे आर ए लाइक लेकिन ये दोनों हेप्लाइड और डेप्लाइड तेलाई जो है वो मारफालोजिकली सेम होते हैं आइसोमार्फिक आइसो मीन सेम मार्फ मीन्स मार्फॉलोजी तो दोनों जो है तो मार्फॉलॉजिकली सिमिलर होते हैं सिर्फ जेनेटिकली जो है तो दो तरह के तेलाई होते हैं हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तैलाई को एक हेप्लाइड और दूसरा tell us reproduction it takes place by asexual and sexual methods and is confined to certain cells of the filament of reproduction to carpus mehote asexual or is sexual reproduction asexual reproduction it takes place by means of two types of zoospores बाई डिप्लाइड तो वो दो तरीकों से होता है मतलब कि दो किस्म के जूसपोर्स प्रोड्यूस होते हैं पहले किस्म के जो जूसपोर्स होते हैं वो डिप्लाइड होते हैं और जिस स्पोरेंजिया में डेवलप्ड होते हैं तो उस स्पोरेंजिया को कहा जाता है जबकि दूसरे तरह के जो स्पोर्स होते हैं वो है प्लाइट स्पोर्स होते हैं और आफ्टर मियासिस डेवलप्ड होते हैं इन यूनिलाकुलर स्पोरेंजियम डिप्लाइट पार्ट ये जो है प्लाइट जूस स्पोर्स हैं ये जिस स्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं उनको यूनिलाकुलर स्पोरेंजियम कहा जाता है अब दोनों जू स्पोर्स जो है डिप्लाइड जू स्पोर्स और हेप्लोइड जू स्पोर्स और इनके स्पोरेंजिया चाहे प्लुरिलाकुलर हो या यूनिलाकुलर वो दोनों डिप्लाइड प्लांट बॉडी पर डेवलप होते हैं प्लुरिलाकुलर स्पोरेंजियम डिप्लोइडिलाकुलर स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम द टर्मिनल सेल ऑफ ए ब्रांचलेट जो प्योरीलाकुलर स्पोरेंजियम है तो वो ब्रांच के या ट्राइकोम के टर्मिनल या जो एपिकल सेल होता है वहाँ से या उस सेल से डेवलप होता है इट इज़ क्वाइट बिग इन साइज एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल हंड्रेड स्मॉल क्यूबिकल सेल्स अरेंज्ड इन 20 to 40 transverse tires. टहायर्स sporangium जो है ये size में बहुत बड़ा होता है इसमें hundreds या सैकड़ों की हिसाब से small cubical cells होते हैं जो के 20 से 40 रोज में कतारों में सर्कुलर कतारों में arrange होते हैं Each cell ऑफ इट प्रोड्यूस ए बाईफ्लेजुलेट स्पोर हर एक क्यूबिकल सेल जो है वो आफ्टर डेवेलपमेंट एक बाईफ्लेजुलेटेड स्पोर बनाता है मैनी प्लूरिलकुलर स्पोरेंजिया में डिवेलप अन ए सिंगल प्लांट अब एक ही प्लांट पर कई सारे प्लूरिलकुलर स्पोरेंजिया डेवलप हो सकते हैं ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्पोरेंजियम डेवलप होगा बल्कि कई सारे डेवलप हो सकते हैं दी स्पोरजियम डिवेलप आन डिप्लाइड प्लांट्स एंड प्रोड्यूसपोर्स माइटॉटिकली दस आर डिप्लाइड जो प्यूरिलर स्पोरेंजियम से, से है तो वो डिप्लाइड प्लांट बॉडी पर डेवलप होते हैं और इनके अंदर जो जूस्पोर्स बनते हैं तो वो थ्रू माइटोसिस सेल डिवीजन बनते हैं यही वजह है कि जितने भी जू स्पोर्स होते हैं वो भी डिप्लाइड होते हैं डीज डिप्लाइड जूसपोर्स डिवेलप्ड इन टू स्पोरोफिटिक जनरेशन आर प्लांट बॉडी जब ये डिप्लाइड स्पोर्स मेच्योर होते हैं और स्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं तो ये जर्मिनेट करते है स्पोरेंगिय। है हैं डायरेक्टली नए स्पोरोफेटिक प्लांट बॉडी में यूनि स्पोरेंजियम ईच स्पोरेंजियम हैज ए सिंगल लाक्यूल एंड डेवलप्स बाय द इनलार्जमेंट ऑफ द टर्मिनल सेल ऑफ ए शॉर्ट लेटरल ब्रांचलेट एंड प्लाइट प्लांट जो यूनिलाकुलर स्पोरेंजियम है तो उसमें एक चैम्बर होता है एक लाक्यूल होता है लाक्यूल का मतलब के चैम्बर या खाना तो एक खाना या चैम्बर यूनिलाकुलर स्पोरेंजियम में होता है और यूनिलाकुलर स्पोरेंजियम जो है वो शार्ट लेटरल ब्रांच से डेवलप होता है जो के जो लेटरल ब्रांच है उसके एपिकल सेल या टर्मिनल सेल जो है वो यूनिलार स्पोरेंजियम बनाता है और प्लूरिलार स्पोरेंजियम की तरह स्पोरेंजियम भी डिप्लाइड प्लांट बॉडी पर बनता है डी डिप्लाइड न्यूक्लियस ऑफ स्पोरेंजियम 32 तो 64 थर्टीड न्यूक्लियर अब होता क्या है कि जो टर्मिनल सेल है या एपिकल सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है पहले मियासिस के थ्रू और फिर माइटासिस के थ्रू और बत्तीस से चौंसठ तक हेप्लाइड न्यूक्लियाई बना लेता है जो पहला डिवीज़न होता है वो मियासिस वाला होता है और फर्दर फिर माइटासिस होता है अब जब पहला डिवीजन मियासिस है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो वन सेट तक या हाफ तक रिड्यूस हो जाते हैं इस वजह से जो न्यूक्लियाई है वो सारे हेप्लाइड है फर्स्ट डिवीजन इज द प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट्स अराउंड ईच न्यूक्लियस एंड ट्रांसफॉर्म्स इन टू बाईफलेट्लाइडोर्स विच आर कॉल्ड एज मर कोप्लाइड न्यूक्लियस के गर्द प्रोटोप्लाजम जमा हो जाता है या सैटोप्लाजम जमा हो जाता है और हर एक के इर्द गिर्द फिर सेलमब्रेन वगैरह और फ्लैजिला निकल आते हैं और इस तरह जो है, प्लाइड है वो डेवलप हो जाता है जू स्पोर्स में हर एक जू स्पोर्स के दो फ्लैजिला होते हैं इन हेप्लाइड है स्पोर्स को मियोस्पोर्स भी कहा जाता है और गोनोजू स्पोर्स भी कहा जाता है अनजर्मिनेशन जू स्पोर्स प्रोड्यूस गिटिक प्लांट्स डीज गिफिटिक प्लांट्स परफॉर्म सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब यहाँ पर एक फर्क है प्लूरीकुलर स्पोरेंजिया के स्पोर्स में और यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया के स्पोर्स में जो प्लूरीकुलर स्पोरेंजिया है उनके स्पोर्स स्पोरोफिटिक या डिप्लाइड प्लांट बॉडी में डेवलप होते हैं लेकिन यहाँ पर जो न्यो स्पोर्स है या गोनोजूस स्पोर्स है या यूनिलाकुलर के जो जू स्पोर्स है वो आफ्टर जर्मिनेशन डिवेलप्ड होते हैं या याप्लाइड प्लांट बॉडी में और यही गेमिटोफिटिक या है प्लांट बॉडी जो है वो आगे पर सेक्शुअल प्रोडक्शन के थ्रू गेमीट्स बनाते हैं और गेमीट्स के फ्यूजन के बाद जो है तो डिप्लाइड या स्पोरोफेटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं सेक्शुअल प्रोडक्शन इट इज आइदर आइसोगेमस और इन आइसोगेमस अब एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो ऐसो है या फिर एनाइसो गेमस है गेमीट्स जो है वो मोटाइल होते हैं और हर एक गेमीट के दो फ्लैजला होते हैं और गेमीट्स जो है वो मल्टीलैकुलर गेमीटेंगिया में डेवलप्ड होते हैं मल्टीलैकुलर मींस के हर एक गेमी में बहुत Ugemus, ektocarpus. Ektocarpus ज्यादा चैम्बर्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ एक्टोकार्पस आर आइसोगेमस एंड मानोशियस उगेमस और उगेमी इज एबसेंट इन एक्टोकार्पस एक्टोकार्पस के ज्यादातर मेंबर्स या स्पीशीज जो है वो आइसोगेमस हैं और मानोशियस हैं जबकि ऊ गेमी या उगेमस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टोकार्पस में एबसेंट है स्ट्रक्चरली एंड इन डेवलपमेंटल पैटर्न दल्टी लॉक्यूलर केमीटेंगियार स्पोरेंजिया बट डेवलप्ड डेवेलप्ड अनहेपलाइड प्लांट्स एंड प्रोड्यूस केमिट्स। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें साख्त की बात करें या जिस तरीके से मल्टीकुलर केमीठेंगिया डेवलप्ड होता है तो ये मुशाबहत रखती है प्लोरीलाकुलर स्पोरेंजिया के साथ सिर्फ फ़र्क यहाँ पे यह है कि के मल्टीकुलर केमिटेंगिया जो है वो हैप्लाइड कैमिटोफिटिक प्लांट बॉडी पर डेवलप्ड होती है जबकि प्लोरीलाकुलर स्पोरेंजिया जो है वो डिप्लाइड स्पोरोफिटिक प्लांट <us> बॉडी पर

आइसोगेमस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है जैसा कि एक्टोकार्पस सिलीक्यूलोसस है तो इस स्पीशी में आइसोगेमस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि दोनों के जो है वो मारफालॉजिकली सिमिलर है जबकि कुछ स्पीशीज़ में मेल और फीमेल के मीट्स जो है वो साइज़ और साइज़ में डिफरेंट होते हैं जबकि शेप उनका सेम होता है और मोटेलिटी में भी थोड़ा सा फर्क होता है मेल के म्यूट हाईली मोटाइल फीमेल के म्यूट लेस मोटाइल मेल के म्यूट स्मॉलर इन साइज देन फीमेल के म्यूट जैसे कि एक्टोकार्पस सिकंडस है द स्मॉलर गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन माइक्रो गेमिटेंजियम एंड द लार्जर वंस मींस फीमेल गेमीट्स इन मेगा केमीटेंजियम अब जो मेल गेमीट्स हैं वो जिस गेमिटेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं उनको माइक्रोगेमिटेंजियम कहा जाता है जबकि फीमेल गेमीट्स जिस गेमिटेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं उनको मेगा गेमिटेंजियम कहते हैं क्योंकि इनके साइज डिफरेंट होते हैं जो माइक्रोगेमिटेंजियम है उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है और मेगा गेमिटेंजियम का साइज बड़ा होता है

By their interiorly directed to form a clump. अब मेल के मीट्स जो है वो फीमेल के मीट्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और एक क्लम्प सा बनाते हैं इसके बाद सिर्फ एक मेल गेम इस क्लम्प से फ्यूज होके फीमेलिट्स के साथ मिलता है फर्टिलाइजेशन करता है और बाकी मीट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं फीमेल से। पोर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डिप्लाइड एंड जर्मिनेट्स प्रोड्यूस ए न्यू स्पोरोफेटिक प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लाइड पोर बनता है जो के जर्मिनेशन के बाद डिप्लाइड स्पोरोफिटिक प्लांट बनाता है there is no zygotic meiosis the resultant diploid sporophytic plant is morphologically similar to haploid gametophytic plant yahan par zygote banne ke baad meiosis nahi hoti aur jo zygote hai ya जो स्पोर है या वो डेवलप्ड होता है डायरेक्टली डिप्लाइड प्लांट बॉडी में और दोनों प्लांट बॉडी और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी वो सिमिलर होते एक्टोकार्पस तो हेज टू टाइप्स ऑफ़ डिस्टिंक्ट प्लांट्स इन लाइफ साइकल स्टार्ट में हमने पढ़ा कि एक्टोकार्पस तो में दो तरह के प्लांट बॉडीज़ होते हैं एक हेप्लाइड है स्पोरोफिटिक और दूसरा डिप्लाइड सॉरी एक डिप्लाइड स्पोरोफेटिक और दूसरा हेप्लाइड गेमिटोफेटिक दोनों प्लांट बर्डीज जो है मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन जेनेटिकली उनमें काफी फर्क है एक हेप्लाइड है, है जो कि जबकि स्पोरोफेटिक जो है वो डिप्लाइड है और ये जो है डायरेक्टली या तो प्योर इलाकुलर में डिप्लाइड स्पोर्स बनाता है जो कि डेवलप्ड होते हैं डिप्लाइड स्पोरोफिटिक प्लांट में या फिर यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया में मियोजू स्पोर्स बनाते हैं जो कि गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी में डेवलप्ड होते हैं और वो गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडीज थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफिटिक डिप्लाइड प्लांट बॉडी बनाते हैं दी स्पोरोफिटिक प्लांट प्रोड्यूसेस यूनिलाकुलर एंड प्यूरिलार स्पोरेंजिया जैसे कि हमने पढ़ा कि स्पोरोफिटिक डिप्लाइड प्लांट बॉडी जो है उसमें दो तरह के स्पोरेंजिया बनते हैं यूनिलाकुलर जिनके स्पोर्स हैप्लाइड होते हैं प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया जिनके स्पोर्स डिप्लाइड होते हैं यूनिलाकुलर स्पोरेंजियम प्रोड्यूस हैप्लाइड म्यूजू स्पोर्स विच ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू तो हैप्लाइड गेमेटोफाइट प्लांट द गेमेटोफाइट प्लांट, प्लांट प्रोड्यूस गेमीट्स इन गेमेटेंजिया

ये जू स्पोर्स जर्मिनेशन के बाद गेमीट्स या गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी में डेवलप होते हैं गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी में गेमिटेंजिया प्रोड्यूस होते हैं उन गेमिटेंजिया में हेपलाइड गेमिट्स थ्रू माइटासिस बनते हैं और यही हेपलाइड गेमीट्स जब फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट में डेवलप होते हैं और जाइगोट डिप्लाइड होता है यही जाइगोट जर्मिनेशन के बाद डिप्लाइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में डेवेलप्ड होते हैं दू प्लांट फार्माइट प्लांट एंड गेमिटोफाइट हिप्लाइट प्लांट विद डिफरेंट फंक्शन रेगुलरलीट इन लाइफ साइकिल अब ये दोनों प्लांट बॉडीज जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी और गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी ये एक दूसरे के बाद आते हैं मतलब के स्पोरोफिटिक प्लांट बाडी गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करती है थ्रू हेप्लाइड स्पोर्स और गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी थ्रू गेमीट्स डिप्लाइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं तो इस तरह ये जो दोनों प्लांट बॉडीज है

डिप्लाइड प्लांट प्लांट हो हो, या हो। दोनों मार्फालॉजिकली सेम है लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है तो इस तरह के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आइसो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं आइसो मीन सेम एंड मार्फिक मीन्स मार्फालॉजिकली थैंक्स फॉर वॉचिंग